आपकी बार वो फिरोजपुर विधानसभा से किसकी किसको वोट जाएगा? मम्मन को दोगे? मम्मन के दोगे से किस कैंडिडेट को देखना चाहते? नसीम अहमद। नसीम अहमद को जी, चाय का आनंद लेते हुए आप बताइए फिरोजपुर से किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? मम्मन खान। मम्मन खान। दोस्तों आपका स्वागत है पल पल मीडिया में, मैं हूं आपके साथ उमर मोहम्मद। ये इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिरोजपुर विधानसभा के खानपुर घाटी में। ये दूसरी जगह की सर्वे थी और इससे पहले जो वीडियो आपने देखी वो दूसरे जगह की थी। यहाँ भी हम लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार फिरोजपुर विधानसभा से किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं और वो यहाँ से किसी पार्टी को चुनना चाहते हैं या फिर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। अगर यहाँ से बात की जाए हरियाणा के अंदर वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बुजुर्ग, आपका नाम क्या है? नाम सुपाल है। नाम बता दीजिए, क्या हो रहा है? सुपाल है। आपकी बार वो फिरोजपुर विधानसभा से किसकी किसको वोट जाएगा? मम्मन को दोगे? मम्मन को दोगे जी। आप किसको वोट देंगे? हम भाई बीजेपी लू। बीजेपी लू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिया है। कहाँ से? खानपुर घाटी से। खानपुर घाटी से। नसीम अहमद ने ऐसा क्या किया जो आप उसको वोट देंगे? अरे हमारा भाई है, भाई है। अच्छा, हमारा वोट देंगे इसके। आपके आप नसीम अहमद से कितनी मर्तबा मिले हैं? बहुत कई बार मिले हैं। कई बार मिले हैं। जब यहाँ नसीम अहमद विधायक रहे थे तो उस दौर में उसने कैसा विकास यहाँ किया? बढ़िया बढ़िया। लड़ाई हो ना चैन हो गई, आप आराम से मस्ती से। विधायक मम्मन का राज में? मम्मन राज में तो पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। गाना मम्मन आवे जब समझ पे माटी पे बर्तन हमारे राम जब कैसे तो यार ऑटो ही क्यों हम लोग समझा पे बहुत अंत ना हो रही यार जब सवार हो भाई इधर जाओ सो कैसे वो मौत में आते हैं क्या? मौत में आवाज ज्यादा करते और थोड़ा में ही। अच्छा, दुख सुख में? और इसके अलावा और आपकी खुशी में शामिल नहीं होते हैं क्या? अरे वो जब आदमी बहुत से है भी वो टाचले जब सरताज ना है तो वो टाचले भी चला जाए। अच्छा, आप ये बता दीजिए विधायक मम्मन यहाँ रहे हैं तो उन्होंने कोई विकास तो किया होगा? टेस्ट कोई ना था, कुछ भी नहीं किया। जी बुजुर्ग, आपका नाम क्या है? दीन मोहम्मद है। दीन मोहम्मद है। आपकी बार फिरोजपुर विधानसभा से किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? नसीम अहमद। नसीम अहमद को। अगर यहाँ से बात की जाए मौजूदा विधायक थे विधायक मम्मन खान, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? पिछली बार वाले जी जी अभी आगे जीते बदलने चाहते हैं। अच्छा, तो विधायक मम्मन ने यहाँ कोई विकास किया है नहीं किया? अच्छा जी, सुन जी, यो आग मेरे पीछे नहावे बोलते। अच्छा, अब आगे चल रहे तू। अच्छा, आपका तो वोट बस जहाँ जाना है जहाँ जाना है, आगे नहीं बोलेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? अशफाक अली। वोट बनी हुई है जी? किसको जाएगा? नसीम अहमद को। क्यों? कि उसने विकास कराया, रास्ता बंधा है। और अगर बात की विधायक मम्मन की, वो उसने अभी तक कुछ कराया नहीं। इसके अलावा यहाँ से आजाद भी टिकट के दावेदार है बीजेपी के, उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, नसीम अहमद से हुआ है। तो आपका बीजेपी के लिए वोट जाएगा नसीम अहमद के लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। तो बीजेपी से अगर आजाद आ गया तो उसके लिए वोट जाएगा? जी जाएगा जी। प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी की जी। दबाव में कह रहे हैं आप अपनी तरफ से? नहीं, अपनी तरफ से कह रहे हैं। फाइनल है जी। अच्छा जी भाई, आपका नाम क्या है? मैं रफीक भाई। आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? अभी कोई फाइनल ना है। कोई फाइनल नहीं है। कहाँ से आप? यही खानपुर घाटी से। खानपुर घाटी से। अच्छा, जो मौजूदा विधायक थे उसका व्यवहार कैसा रहा है इन 5 सालों में? मतलब मेरे तो किसी से कोई वास्ता पड़ो ना है अभी कोई व्यवहार की वजह में। अच्छा, आप हरियाणा के अंदर सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार तो किसी की आ जाए, हमें कोई नुकसान ना है। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ जो मौजूदा विधायक रहे थे उन्होंने कोई विकास किया है नहीं किया? हमारे गांव में मौजूदा विधायक ने कोई नहीं विकास ना करो, अभी तक किसी ने भी नहीं किया ना करो। इससे पहले यहाँ से आपका पड़ोसी या कहें भाई नसीम अहमद, वो भी MLA रहे हैं, तो उन्होंने विकास किया? नसीम MLA रहा नहीं तो उसने विकास नहीं किया, उसने नुकसान भी नहीं किया किसी का। अच्छा, विकास नहीं किया, नुकसान नहीं किया। जी भाई, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। आप कहाँ से? मैं तहसील नूह से आता हूँ। नूह से आता है। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? प्रदेश में तो कोई सी सरकार आ जाएगी, हमारे लिए तो सभी अच्छी है। अच्छा, आप जहाँ से भी हैं, जिस विधान से भी हैं, आप वहाँ से किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं? कैंडिडेट तो दोनों अच्छे, लेकिन हालांकि कांग्रेस कांग्रेस की सपोर्ट है आपकी? हाँ जी।
जी भाई, आपका नाम क्या है? शाहून खान। शाहून खान, किस वोट जाएगा आपका? आपकी बात अभी कोई फाइनल ना। कोई फाइनल नहीं है। प्रदेश में सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार सब बढ़िया, जो आ जाए। हमने कोई काम पड़ेगा? कोई काम नहीं पड़ता है। विधायक होता है कोई? विधायक ने कायल कोई काम ना करवाएगा? हमने कोई काम नहीं किया है। जी, चाय का आनंद लेते हुए आप बताइए, फिरोजपुर से किसको विधायक देखना चाह रहे हैं? मम्मन खान। क्या काफी समर्थक नसीम अहमद के आप बीच में से विधायक मम्मन खान के, ऐसा क्या? बस जी की बात है। जी की बात है। अगर बात की जाए तो विधायक मम्मन, इन 5 सालों में कैसा विकास आपके यहाँ किया है? विकास तो कुछ है सो खास नहीं। विकास नहीं किया है, फिर क्यों विधायक मम्मन को पसंद करते हैं? तो कौन सी पार्टी थोड़ी उनकी बनी पड़ी जो विकास करेगी? पार्टी नहीं बनी है, लेकिन विधायक का जो कोटा होता है वो फिर भी आता है, चाहे पार्टी हो। छोटे मोटे काम थारी नहीं तो करे कोई हो जाए। अच्छा, विकास किया नहीं है, विधायक मम्मन को पसंद करते हैं। अगर बात की जाए तो विधायक का टिकट कटना चाहिए फिर उस पर बाकी लेना चाहिए? हम तो जी सच्ची बात है पार्टी को वोट करें। पार्टी को वोट है विधायक को? कोई भी हो, कोई भी हो, आपको कांग्रेस पार्टी को वोट जाएगा? जी भाई, आपका नाम क्या? मेरा नाम साहिब है जी। साहिब है। हाँ जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं मम्मन देव। मम्मन कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। क्या किसी को टिकट दे दे? ना, मम्मन ले देंगे हम। मम्मन कांग्रेस को जरूर मिले। मिले जब मत मिले आजाद देंगे जी। मैं ढाडोली कला से। कौन सी विधानसभा में लगता है ये? फिरोजपुर झिरका में, ये ढाडोली रही। अच्छा, जो आप ये बताइए, फिरोजपुर से किस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं? मम्मन खान को फाइनल है? हाँ। अच्छा, अब अगर उसका टिकट कटता है तो भी मम्मन खान को? अभी तक किसी भी जितने विधायक बने ना जी, नसीम विधायक बना था जी, अभी तक किसी की मिट्टी में नहीं आ सके वो। अच्छा, किसी की खैर खुशी में नहीं आ सके। अच्छा, यहाँ BPL की लाइट आती थी जी, उसको आजाद मोहम्मद के कहने पे वो लाइन को वहाँ ले गया नीमखेड़ा। अच्छा, रही बात मम्मन खान की, वो विपक्ष में है, कोई पावर तो है नहीं जी, फिर भी वहाँ विधानसभा में हमारी बार बार मेवाद की आवाज उठा रहा है। अच्छा, और जब वो जीतेगा पावर में सरकार रहेगी तो विकास भी होंगे। तो फिर बीजेपी से क्यों नफरत है? बीजेपी से नफरत है? आप चैनल पे देख नहीं रहे बार बार मुल्ला काटे जाएंगे, अरे ये राम राम चिल्लाएंगे, क्या क्या हो रहा देश में? कहती है सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी से नाम तो कहने में करने में तो देखो ना फिर। अच्छा, ये नारा खोखला है? हाँ, खोखला है सब। फाइनल है हरियाणा में? अगर बीजेपी की बात देखी जाए जी, तो जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो CM थे ना जी, वो बिल्कुल सही थे। अगर वो रहते तो हम बीजेपी को भी दे देते वोट। अच्छा, वो अगर कैंडिडेट यहाँ से आए ना जी, तो मैं उसको वोट दे दूंगा और दिलवाऊंगा। अच्छा, क्योंकि उसने अच्छा वो किया है। मनोहर लाल खट्टर अत्थर थे, लेकिन जो नायब सैनी है वो अच्छे नहीं है। अभी उसका देखा ही क्या है? अच्छा, कितने दिन जब उसका आपने कुछ देखा नहीं, फिर भी आप बायकॉट क्यों? उसने तो काम किए ना। अच्छा, तो फिर वो भी उसी पार्टी के हैं? तो अभी उसने करा तो कुछ नहीं है ना, अच्छा करा ना बुरा करा। चलो ठीक है जी भाई, आपका नाम क्या? सद्दाम है जी। सद्दाम, आप कहाँ के हैं? यहाँ के खानपुर घाटी। तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? मम्मन को। विधायक मम्मन को? बिल्कुल। यहाँ से जो नसीम अहमद के लिए बोल रहे हैं आप विधायक मम्मन? अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी की कोई किसी की। यहाँ से कितने वोट उठा सकता है विधायक मम्मन? मम्मन उठा सके यहाँ से लगभग 2000 वोट। 2000 वोट जी। टोटल वोट यहाँ कितने? टोटल 3000 पोलिंग। 3000 है। 1000 वोट किसको जाएगा? 1000 वोट में बाकी हैं, 2000 में मम्मन है। अच्छा जी, फाइनल है? फाइनल। विधायक मम्मन ने कोई ऐसा विकास किया है? ना, बड़े विकास किया, हारी में, बीमारी में, परेशानी में, ब्याह में, शादी में, सब में आता है। सब में आता है जी। नसीम अहमद आपके यहाँ है? नहीं नहीं, वो नहीं आता, वो तो अभी सो रहा है। सो रहा है? हाँ जी। नहीं, वो तो जनसंपर्क कर रहा है। वो दिनों कर रहा है, हमारे पे नहीं आया। नहीं आया? आएगा जब भी ना हमारे लिए। तो बाइक आ रहा है।